नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे अपना उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। सूरपुर के हर्रा कस्बे से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां नशे में पति ने पहले दोस्त से पत्नी के साथ जबरन दुष्कर्म कराया, उसके बाद 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने किसी तरह अपने मायके में घटना की सूचना दी, जिसके बाद मायके से परिजन पहुंचे और पीड़िता को साथ लेकर थाने पहुंचे। इसे लेकर पीड़ित महिला ने आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए रिपोर्ट लिखाई है। पीड़िता ने बताया कि इसकी शादी 15 वर्ष पूर्व हर्रा निवासी युवक से हुई थी, तभी से वो दहेज की मांग करता आ रहा है। मंगलवार को आरोपी पति नशे की हालत में अपने एक साथी को लेकर घर पहुंचा, जिसके बाद आरोपी पति ने साथी के साथ मिलकर उसे कमरे में बंद कर दिया और जबरन अपने साथी से उसके साथ दुष्कर्म कराया। आरोप है कि विरोध करने पर पति ने महिला के साथ मारपिटाई भी की है। इसके बाद आरोपी पति ने पीड़िता को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और मेरा आदमी गलत आदमियों को घर लाता और उनके साथ बैठते उठते मैं मना करती हूँ। मुझे अपनी और अपने बच्चों की इज्जत बचानी भारी हो रही है। और एक कल सुबह लाकर मेरे साथ गलत काम करवाया अपने दोस्त को लाकर, और जो मैंने कहा तो मेरे साथ मारपीट करी सास ने और देवर ने और मेरे हस्बैंड ने। मैंने अपने घर को कह के बुला लिया, तो फिर मेरे घर को सामने बुला के मुझे तलाक दे दी। सर, मैं अब ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। बदायूं के गांधीनगर में समाजवादी पार्टी कार्यालय से सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई। छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध श्री ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर गांधीनगर से समाजवादी पार्टी कार्यालय से ये साइकिल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पार्टी के नेता सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी कार्यालय से होते हुए कचहरी चौराहा, दातागंज तिराहा, खेड़ा नवादा, पथिक चौक, मढ़ई चौक, लालपुर चौराहा, जालंधरी सराय होते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाप्त हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की यात्राएं आज निकाली गई हैं। तो साइकिल यात्रा इसे नाम दिया गया है। जो सपा के नेता हैं वो इसमें मौजूद थे, कार्यकर्ता इसमें मौजूद थे और सैकड़ों की संख्या में, या ये कहें कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता निकले हुए थे। सबके आदर्श नेता छोटे लोहिया के नाम से, जिन्हें पूरा देश सम्मान से जानता रहा, स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की आज जयंती है। हम लोगों ने उनकी जयंती को हमेशा समझा दी प्रेरणा दिवस के तौर पर। पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया के अरणी लोहिया जी की जयंती, लोहिया जी की जयंती पर, स्वर्गीय ज्ञानेश्वर जी की जयंती पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील पर पार्टी के लोग साइकिल यात्रा लेके निकल गए। पार्टी ने मुझे बदायूं जनपद की जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी के तहत आज आप सबके बीच में अपने सभी बदायूं के पार्टी के अपने अध्यक्ष जी से लेके विधायक जी और पूरे जिले के पार्टी के साथियों के साथ, विशेषकर ये बदायूं तहसील की साइकिल यात्रा निकल गई। अलग अलग तहसीलों में अलग अलग यात्राएं चल रही। ये साइकिल रैली का उद्देश्य क्या रहा है इस यात्रा का? साइकिल रैली के कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने फैसला दिया कि सरकार की जो जनविरोधी नीतियां हैं, महंगाई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या उन्होंने नारे दिए थे, याद करिए 14 में बहुत हुई महंगाई की बात, और क्या हुआ महंगाई का? आज पेट्रोल शतक मार चुका है, डीजल शतक के कगार पे है, रसोई की गैस दोगुने से ज्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई पूरे देश के सामने गंभीर चुनौती है, भ्रष्टाचार चुनौती है। समाजवादी पार्टी के नेता अरणी आजम साहब और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे, भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, शायद आईपीसी की कुछ ही एक धाराएं बची होंगी जिन धाराओं के तहत उनके परिवार को बेगुनाही के साथ साथ बेगुनाह होने के बावजूद क्यों कैसे फंसाया गया, ये सब सामने है। नोएडा के सेक्टर 45 काशीराम कॉलोनी में अन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक पंकज सिंह, पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और डीएम सुहास अलवाई तमाम मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिले में करीब 367 उचित दर राशन दुकानें हैं, जहां हर दुकान पर 100 लाभार्थियों को 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल वितरित किया गया है। बता दें कि ये राशन सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान एमएलए पंकज सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में आज नोएडा में भी 46 जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
मैं इस कॉलोनी से मैंने यहाँ पर अपने लोगों के अधिकारियों के साथ इसकी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लोगों को मिला है और ये अच्छी योजना है। इसको ज़रूरतमंद लोगों तक अन्न राशन पहुँचाने की जो योजना है, निश्चित रूप से इसका लाभ मिला और लोगों में इसको उत्साह भी इसको लेकर मैं देखता हूँ। मथुरा में डीजल, पेट्रोल और बिजली की बढ़ती दरों के साथ कानून व्यवस्था और महंगाई को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने बिंदी, साड़ी, लिपस्टिक, काजल और पैरों में घुंघरू बांधकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल ने पहले ही जनपद में एक दिवसीय धरने का ऐलान किया था, जिसे लेकर उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने ऐलान भी किया है कि सरकार हमारी बातों को सुने और समझे, नहीं तो आगे वो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया और कहा है कि जनपद भर से हमारे कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, पर उनको पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। पुलिस कार्यकर्ताओं को रोककर धरने को कमजोर करना चाहती है, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हम आगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। तो राष्ट्रीय लोक दल ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर भारतवर्ष में गरीब और कमजोर को नारी बना दिया है, लेकिन नारी शक्ति कमजोर नहीं हो सकती। झांसी की रानी भी नारी थी, मीराबाई भी रानी थी, लेकिन और रही बात कोई पूछता है, जैसे अभी आप लोग पूछ रहे, स्वयं शंकर भगवान गोपी बनकर के वृंदावन में रास रचाया था, गोपी का रूप धारण किया था और भगवान कृष्ण ने भी चूड़ी बेचने के लिए नारी का रूप धारण किया था। तो नारी देश में सर्वत्र पूजा है, नारी से दुनिया की पैदा होती है, नारी शक्ति है, आदि शक्ति है, इसके बिना संसार चल नहीं सकता है। तो आज हम लोगों ने ये जो रूप धारण किया है, हम योगी को चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर नारियों का सरेआम तीर खिंचता है, सरेआम बलात्कार होता है, सरेआम जो है उनके साथ लूट होती है। बरेली के आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपनी बिगड़ी बोली के चलते काफी चर्चाओं में रहते हैं। बीते दिनों एक वायरल वीडियो में आंवला सांसद अल्मोड़ा उत्तराखंड स्थित जागेश्वर धाम मंदिर परिसर में वहां के लोगों को भी गाली देते नजर आए थे। आपको बता दें कि आंवला सांसद अल्मोड़ा उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में दर्शन करने गए थे। वहां किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, विवाद इतना बढ़ गया कि आंवला सांसद आक्रोशित होकर अपना आपा खो बैठे और मंदिर परिसर के कार्यकर्ताओं को गालियां देने लगे और अपशब्द कहने लगे। उनके इस कारनामे पर उत्तराखंड में उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब बरेली में सनातन धर्म जागृति उत्थान संघ ने सांसद के इस व्यवहार की अवहेलना की है और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा है और सांसद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। संघ के लोगों का कहना है कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है, एक पवित्र स्थान पर जाकर ऐसी अभद्रता सांसद जी को शोभा नहीं देती। इस मामले में संघ ने मांग की है कि सांसद के खिलाफ राष्ट्रपति और उत्तराखंड सरकार कठोर कार्रवाई करे। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये मामला गरमाया था और अब बरेली में भी इसको लेकर आवाज उठने लगी है। इससे पहले उत्तराखंड में भी इस मामले को लेकर FIR दर्ज हो चुकी है। ये ज्ञापन सनातन संस्कृति पर, सनातन धर्म पर, मंदिर मठों पर उनकी मर्यादाएं भंग करने और उन पर जो है लांछन लगाने का कार्य जो हमारे आंवला सांसद ने किया है, उसके विरोध में हम सब लोग आक्रोश और माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय बरेली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है। आज जो हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसमें हमारे आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी ने जो जागेश्वर धाम में जाकर के अभद्र गालियाँ मंदिर परिसर में जो दी गई हैं, उसके विरोध में हम सर्व समाज के लोगों में आक्रोश है कि एक ऐसे गरिमामयी पद पर होते हुए उनको इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इस संबंध में काफ़ी लोगों में रोष व्याप्त है और इसीलिए हम लोगों ने आज जो है एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। क्या मांग है आप? मांग ये है कि इनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाए और आगे से किसी भी इस तरीके के व्यक्ति द्वारा जो है हमारे मठ मंदिरों का अपमान जो है वो ना किया जाए। यदि ऐसा होता है तो समस्त हिंदू समाज जो है उसके खिलाफ खड़ा होगा।
गाजीपुर के करांडा के रामपुर माझा में बीती 16 जुलाई को हुए वृद्ध राम सूरत राम हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट भी बरामद कर ली है। बुधवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने हत्या आरोपियों को मीडिया के सामने पेश करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संपत्ति विवाद में बड़ी बहू ने ही अपने दो बेटियों के साथ मिलकर ससुर के सर पर ईंट से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करांडा के रामपुर माझा गांव निवासी राम मूरत राम की बीते 16 जुलाई की रात सोते समय सर पर वार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के छोटे पुत्र कन्हैया राम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई थी। इसी क्रम में पुलिस ने मृतक की बड़ी बहू लालसा देवी और उसकी लड़कियों कृष्णा कुमारी और राखी कुमारी को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी लालसा ने बताया कि घर के बंटवारे में ससुर राम मूरत राम द्वारा मुझे गांव के घर में हिस्सा नहीं दिया जा रहा था, बार बार हिस्से की मांग को लेकर विवाद होता था। इसी को लेकर रात में 2 बजे बेटियों के साथ मिलकर मैंने ससुर के सर और चेहरे पर ईंट से वार कर उनकी हत्या की घटना को अंजाम दिया है। इन्वेस्टिगेशन करांडा पुलिस और एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में हो रहा था, हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे थे। तो ये ब्लाइंड मर्डर था और प्रारंभ से ही घर वालों पे ही सुई टिक रही थी और उसी बात का खुलासा जब पूछताछ की गई तो हुआ ये मकान के में हिस्से को देने को लेकर के उनके घर के ही माँ और उनकी दो बेटियां उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एक ने पैर पकड़ा, एक ने गमछे से मुंह दबाया, एक ने ईंटे से उनको मार दिया। बार बार वो गाली गलौज करते थे, इनको हिस्सा नहीं देते थे, इस कारण इन्होंने ये कदम उठाया और ये हत्या की है। सर, मृतक और ये आरोपियों का आपस में क्या संबंध है? ये उनकी बहू थी, बहू ने ही ससुर की हत्या अपनी बेटी जी, बहू और उसकी बेटियां मिलकर के। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रायबरेली पहुंचे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के समय लोग एसी कमरे में बैठकर ट्वीट कर रहे थे। तमाम विपक्षी गण कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर लोगों को संक्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बोर्ड ने परीक्षार्थी अगर चाहें तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, इसमें प्रमोट पास फेल सभी छात्र शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी अंत्योदय कार्ड धारक छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा की है। तो रायबरेली पहुंचे सीएम दिनेश शर्मा, उन्होंने यहां पर ये तमाम बातें कही हैं, विपक्ष पर हमलावर होते हुए भी नजर आए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के समय लोग एसी कमरे में बैठकर ट्वीट ट्वीट खेल रहे थे। तमाम विपक्षी गण जो हैं वो कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बोर्ड ने जिन्होंने भी परीक्षा दी है अगर चाहें तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, इसमें प्रमोट पास के सभी छात्र शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी अंत्योदय कार्ड धारक छात्रों को लैपटॉप देने की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 3 तलाक और हलाला का आरोप लगाते हुए एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि पति ने उसे 3 तलाक दिया और फिर देवर से हलाला कराया। पीड़िता ने बताया कि शादी के 1 साल बाद पति ने उससे गाड़ी की मांग की थी, जो ना दे पाने के कारण पति ने उसे 3 तलाक दे दिया और एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद छोटे देवर को हलाला करवाने भेजा और देवर ने हलाला के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने भी बताया कि मैं किसी तरह वहां से भी भाग आई और फिर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया कि थाना स्वार इलाके की रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक संबंध और 3 तलाक के मामले में तहरीर दी है। उसके देवर ने हलाला के नाम पर महिला के साथ दुष्कर्म भी किया। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ शादी को 1 साल हो गया था, फिर शादी से बाद में 1 साल के बाद मांग करने लगे वो। अच्छा, आप शिपरांगे में हुई थी? अच्छा, फिर उन्होंने गाड़ी की मांग करी थी, दहेज की, वेगनार गाड़ी मांगते थे, 10 लाख रुपए नगद मारते थे मुझे। मेरे घर वाले कमजोर थे, ना दे पाए तो मुझे तलाक दे दिया 3 बार, तलाक तलाक।
ससुर मारते पिटवाते थे, आदमी मारते थे हमारे घर के जो। फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, तलाक दे के 3 बार मुझे में ससुर ने बंद करा था। अच्छा। फिर छोटे वाले देवर के साथ गलत सम्मत जुड़वाए मेरे, हलाला करवाने की करी थी, हलाला मेरे साथ करवाया था। अच्छा। जबरदस्ती हलाला करवाया था। सुबह को मैं निकल के आई थी घर से उनके, बहुत कठिन से। थाना स्वार क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना स्वार पर तहरीर दी गई कि उसके ससुरालीजन दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करते हैं, मारपीट करते हैं, और उसका पति फरीद पुत्र खुर्शीद उसके साथ प्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। उसे उसके पति द्वारा 3 तलाक भी दे दिया गया और हलाला के नाम पर उसके देवर परवेज द्वारा उसके साथ बलात्कार भी किया गया। सुसंगत धाराओं में थाना स्वार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बाराबंकी में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 चोरों को धर दबोचा है। पुलिस ने इन चोरों के पास से चोरी की 9 लग्जरी कारें भी बरामद कर ली हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनको कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए 5 आरोपियों में से 2 आजमगढ़, 2 अमेठी और 1 जौनपुर के निवासी हैं। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि मई महीने में थाना रामसनी घाट क्षेत्र में एक गाड़ी चोरी हुई थी, जिसका मुकदमा लिखा गया था। उसके बाद रामनगर थाने में भी एक गाड़ी चोरी होने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद सीओ रामसनी घाट के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इस केस की तहकीकात शुरू की गई, जिसके बाद स्वाट और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को धर दबोचा। पूछताछ में इन चोरों ने बताया कि इन लोगों का सरगना खादिम और इसके साथ ही मिलकर बाराबंकी के साथ ही आजमगढ़, अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली समेत तमाम जनपदों से गाड़ियों की चोरी करते थे। एसपी ने बताया कि यहां लोग पहले गाड़ी को टारगेट करते थे, फिर मास्टर चाबी से गाड़ी को खोलकर गायब हो जाते थे, जिसके बाद ये लोग गाड़ी आजमगढ़ से ले जाकर अपने साथी गोरखनाथ यादव और हरिनाथ यादव को हैंडओवर करते थे। फिर ये लोग गाड़ी के इंजन नंबर, चेसिस नंबर, नंबर प्लेट को बदलकर और गाड़ी के रंग को बदलकर फर्जी कागजात बनवाकर उसे सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। एसपी ने बताया कि ये लोग लगातार क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आते जाएंगे, उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। जनपद बाराबंकी में रामसनेही घाट में माहवाई में एक बोलेरो चोरी हुई थी, जिसमें एक मुकदमा लिखा गया था, और उसके बाद एक रामनगर से बोलेरो चोरी हुई थी, इसमें भी मुकदमा लिखा गया था। इसके बाद टीम बनाई गई, जो सीओ आरएस घाट है पंकज, इनके नेतृत्व में टीम बनाई गई और गहन मेहनत करके इन्होंने पूरे गैंग को ट्रैक किया। उसके बाद स्वाट और सर्विलांस टीम की मदद लेकर के इसमें पूरे गैंग को नैब किया गया है, जिसमें 5 अंतर्राज्यीय साथी वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 5 वाहन फोर व्हील बरामद हुए हैं। और जब गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो इसका सरगना खादिम है, ये और इसके कुछ साथी मिल करके लगातार आजमगढ़, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली आदि जनपदों से लगातार वाहन की चोरियां करते थे, और उसके बाद आजमगढ़ में ले जाके गोरखनाथ यादव और हरिनाथ यादव, ये 2 साथी हैं इनके, जिनको ये गाड़ियां हैंडओवर करते थे। उसके बाद उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर और उसके नंबर प्लेट को चेंज करके और इवन उसके कलर को भी चेंज करके ये लोग फर्जी प्रमाण पत्र उसका तैयार करा लेते थे और उसके बाद उसको बेच दिया करते थे, सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। और इस तरीके से ये लगातार इस क्षेत्र में घटनाएँ कर रहे थे। इनसे जब गहन पूछताछ की गई है तो ये भी निकल के आया है कि ये गुजरात और महाराष्ट्र में भी इस तरीके की गाड़ियाँ चोरी करके लाते थे और क्षेत्र में बेचते थे। रामपुर में आज पद्मश्री से सम्मानित वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी की 1111वीं प्रेक्रियाटिस के स्वस्थ हुए मरीजों के डाटा वाली पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस दौरान एक भव्य समारोह का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर राजीव जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी का काम बेहद प्रभावशाली है और आज आयुर्वेद को इसी तरह के कार्य से आगे बढ़ाया जा सकता है। उनका शोध कार्य हतप्रभ कर देने वाला है। आगे उन्होंने आश्वासन दिया है कि वैद्य जी ने जिस तरह इस पारंपरिक रस शास्त्रीय ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने में संघर्ष किया और शोध किया, उसे सरकार से सहयोग प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह कार्यक्रम के अध्यक्ष और गोविंद मल्लभ पंत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेजपाल ने बताया कि उन्होंने वैद्य जी के इस शोध कार्य से प्रभावित होकर ही उनके मिशन नोबेल प्राइज को पूरा सहयोग करने का निर्णय लिया है, जिसके संदर्भ में हाल ही में एक MOU भी साइन किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित इनामी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ डॉक्टर सी के कटियार ने भी वैद्य जी के कार्य की सराहना की है और सहयोग के लिए अपनी ओर से 1,00,000 रुपए की धनराशि उनके शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भेंट की है। नहीं, मैं तो अभी देखने आया हूँ कि यहाँ पर क्या है और मेरा जो उद्देश्य है वो ये कि रसायन शास्त्र की अभी काफ़ी लोगों को बारीकियाँ नहीं मालूम है और काफ़ी और लोग कुछ घबराते हैं। मेरा जो उद्देश्य है वो ये कि आयुर्वेद को और रसायन रस शास्त्र को मेन स्ट्रीम कैसे कर सकें, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और इसके लिए कोशिश करता रहा हूँ। तो आज यहाँ देखने इसलिए आया और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि कैसे एक बहुत ही मुश्किल और बहुत पुरानी अपनी पद्धति है उसको यहाँ पे कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है और डॉक्टर नरेंद्र साहब जो है नरेंद्र प्रकाश जी वो इसको किस तरह से कर रहे हैं कि इसमें जो भी मतलब इसके जो लाभ हैं वो पूरी तरह से प्राप्त हो सके। अयोध्या में भूमि पूजन की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने तय कार्यक्रम से 45 मिनट पहले अयोध्या पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने यात्री निवास पर अफसरों से चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। उन्होंने रामलला के मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया और रामलला के दर्शन किए। उन्होंने आरती में भाग लिया और पूजन किया। अयोध्या पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि पहुंचे और यहां का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन की वर्षगांठ के अवसर पर राम मंदिर में आयोजित विशेष अनुष्ठान में शामिल होकर रामलला की पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 400 लाभार्थियों को अन्न वितरण भी किया। राम मंदिर के भूमि पूजन की वर्षगांठ पर रामलला को विशेष भोग लगाने के साथ ही नवीन वस्त्र भी धारण कराए गए। राम जन्मभूमि के मुख्य आचार्य सतेंद्र दास ने बताया कि मनीष त्रिपाठी की ओर से भूमि पूजन की वर्षगांठ के लिए रामलला को सिल्क हैंडलूम कपड़े से बना पीला वस्त्र भेंट किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर चौकसी के बावजूद तस्करों के हौसले बुलंद है, इस बात का जीता जागता नमूना आज देखने को मिला। नशा और नशीली दवाइयों का काला कारोबार सरहद के आगोश में फल फूल रहा है। एसएसबी की चौकसी और पुलिस की गश्त से बेखौफ होकर दवाइयों के एक कारोबारी ने बड़ी मात्रा में अपने मकान में नशीली दवाइयों का एक स्टॉक एकत्रित करके रखा था। वही मुखबिर की सूचना के आधार पर एसडीएम निशलाल ने ठूठूबारी के जमुई में छापेमारी की तो उनके होश उड़ गए। डीएम निचलौल थाना टूटीबारी पुलिस व एसएसबी की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयाँ, इंजेक्शन, सिरप और रैपर बरामद हुए हैं। इसमें कई तरह की दवाइयाँ ऐसी भी बरामद हुई हैं जो प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं और जिसका अनुमानित बाजारू मूल्य लगभग 686 करोड़ बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें सभी अधिकारी गण ने बड़े अच्छे से इस घटना को अच्छे से इसको अंजाम दिया है और अभी विस्तृत इसमें छानबीन की जा रही है। इसकी सारी घटना के बारे में थाना टूटीबारी पुलिस इसकी विस्तृत छानबीन करेगी और इसके बारे में सत्य का पता लगाएगी। टूटीबारी पुलिस यहाँ के एसडीएम और जो एसएसबी की टीम है इनकी संयुक्त कार्रवाई में ग्राम जमुई में एक रमेश कुमार गुप्ता नाम का अभियुक्त पकड़ा गया है। इसके मकान और गोदाम से भारी मात्रा में नारकोटिक्स और जो साइक्लोट्रॉपिक ड्रग है ये बरामद हुई है। इसमें बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन हैं जो करीब 25,000 हैं, नशीले सिरप की शीशी हैं। वही पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि एसडीएम निशलौल ठूठूबारी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। एसडीएम निशलौल थाना ठूठीबारी पुलिस व एसएसबी की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयाँ, इंजेक्शन, सिरप और रैपर बरामद हुए हैं। इसमें कई तरह की दवाइयाँ ऐसी भी बरामद हुई हैं जो प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं और जिसका अनुमानित बाजारू मूल्य लगभग 686 करोड़ बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें सभी अधिकारी गण ने बड़े अच्छे से इस घटना को अच्छे से इसको अंजाम दिया है और अभी विस्तृत इसमें छानबीन की जा रही है। इसकी सारी घटना के बारे में थाना टूटीबारी पुलिस इसकी विस्तृत छानबीन करेगी और इसके बारे में सत्य का पता लगाएगी। जो अभी जांच की गई है उसमें ये पता चला है कि
नमस्कार। सुशी बारी पुलिस यहाँ के SDM और जो SSB की टीम है, इनकी संयुक्त कार्रवाई में ग्राम जमुई में एक रमेश कुमार गुप्ता नाम का अभियुक्त पकड़ा गया है। इसके मकान और गोदाम से भारी मात्रा में नारकोटिक्स और जो साइक्लोट्रॉपिक ड्रग है ये बरामद हुई है। इसमें बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन हैं जो करीब 25,000 हैं, नशीले सिरप की शीशी हैं जो लगभग 2,00,000 है, कैप्सूल 31,00,000 के आसपास हैं, टैबलेट और इसके अलावा लेबल रैपर मिले हैं जो ये लोग खुद भी लगा के इनकी। वहीं घटना के खुलासे के दौरान SSB के कमांडेंट ने बताया कि बॉर्डर एरिया के मेडिकल स्टोर्स पर इन दवाओं की बड़ी खपत के साथ नेपाली युवाओं को सप्लाई दी जाती थी। इसकी बड़ी बरामदगी से नशे के कारोबार पर अंकुश लगेगा। ये एक जॉइंट ऑफ था लोकल पुलिस के साथ और जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं इनके साथ हमारी SSB की टीम ने किया है। इसमें जो टोटल ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की जो बरामदगी हुई है ये लगभग 686 करोड़ आंका है DI महाराजगंज ने। और इसके अतिरिक्त ये है कि जो बॉर्डर बैंक में अपने साइड जो मेडिकल स्टोर्स हैं कुछ कंजम्पशन इसका उन्होंने होता है और बाकी जो है नेपाल की जो युवा पीढ़ी है उनको नेपाल क्योंकि बॉर्डर ओपन है, पोरस बॉर्डर है तो वहाँ स्मगल होकर जाता है और वहाँ कंज्यूम होता है। ये एक बड़ा ऑपरेशन था जो होपफुली मुझे लगता है आने वाले समय में इस नेक्सस को तोड़ेगा और दोनों तरफ का जो युवा वर्ग है नशा मुक्ति की तरफ लोग बढ़ेंगे। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, SDM साहब का इंट था, उसके बाद से SSB की जो सहायक कमांडेंट हैं संजय कुमार, इन्होंने साथ बैठ के जो है जॉइंट ऑप्स प्लान किया किस तरीके से घेराबंदी करनी है उस घर की और बड़े सुनियोजित सब तरीके से इन लोगों ने ऑप्स प्लान किया जिसमें इन्हें सफलता हासिल हुई है। और SDM प्रमोद साहब निस्टॉल में हैं आजकल, पहले नौतनवा में थे, वहाँ पर भी बड़े अच्छे जॉइंट ऑपरेशन हुए हैं और यहाँ लोकल पुलिस की टीम और हमारी SSB की टीम बहुत अच्छा समन्वय बिठा कर जो है ऑप्स कर रही है और सफलता हासिल हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।